आज हम 18 प्लस यूथ एसोसिएशन की तरफ से अंकल आंटी भैया भाभी पड़ोसी रिश्तेदार जो कॉल करके या घर आके, और भाई कैसा है आपका लौंडा, तैयारी कैसे चल रही है बेटा, अभी तो हुआ नहीं कहीं तुम्हारा, ऐसा बोल बोल के यूथ की जो मौज लिया कर रहे हैं ना, उन सब महानुभाव बारे में जो हमारी राय है नौजवानों की वो हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। बताओ, मैं उन लोगों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, आज उन्हीं की बदौलत तो यहाँ पे बैठा हूँ मैं। अच्छा। अगर वो ताने ना देते तो शायद मैं यहाँ पे ना होता, तो थैंक यू। अरे भाई वो लोग खुश होते हैं ना कि लड़का अभी तैयारी चालू भी नहीं करता, घर आके पूछने लग जाते हैं कि क्या कर रहा है आपका लौंडा, उनके बारे में आप दो शब्द क्या कहना। वो लोग कभी सुधर नहीं सकते या ना सुधरेंगे, उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि बोलो दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना छोड़ दे, लड़कियों का रिश्ता भेजना शुरू कर दे। अनुभव के बारे में आपके क्या विचार है? यही कि इनकरेज करो, आपके ही बच्चे हो सकते हैं, ये भी बच्चा है और तो बच्चा ही है, अभी बड़ा कहाँ हुआ है? सारे बच्चे हैं भाई, बस मैं ही नहीं, जो भी तैयारी कर रहा है सारे बच्चे हैं। किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, आप भी सक्सेस हो, आपसे भी ज़्यादा सक्सेस कोई और है, तो सबका अपना अपना एक लिमिट होता है, अच्छी बात है। किसी का पहले होता है, किसी का बाद में होता है। मेरा भाई बहुत सक्सेस है, मैं वैसा ही, तो सब पे डिपेंड करता है, मेरे पापा भी वैसे थे, डिपेंड करता है। सबका इस दिन फेस आता है उसमें, किसी का और किसी का वो नहीं काटना चाहिए जो ये अभी मेरी काट रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कटता तो सबका है, बताता कोई नहीं, बताता कोई नहीं। ये बात सही बोला, ठीक है, सबके इस दिन फेस आते हैं और वो झेल रहे हैं यार, झेलने दो, अपनी देखो, अपना तैयारी करो, फिर क्या तैयारी नहीं, ध्यान से रहो, किसी को गिराओ मत, बस यही बात है, गिराओगे तो फिर आपकी बारी आएगी। ये बात और कुछ निकल रहे हैं अंदर निकलेगा आपके बारे में, थिंकिंग 10% सही होगा इसके बारे में, इसके बारे में, क्योंकि मैं जो हूँ वो दिखता है ना, जो नहीं है वो भी दिखेगा आपको। इसको तो मैं काट दूंगा, काट के मैं एडिट कर दूंगा, बहुत कुछ इसको इसको बीवी को पता लगेगा। देख लो यार, अभी तो लग गई अपनी ऐस होगी, उसकी ऐस होगी। तो उन महानुभाव के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उनसे मेरा बस एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो जॉब के लिए प्रिपरेशन लेते हैं, उनको जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, उनका मतलब वो जो फेज से गुजर रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये फेज़ उतना आसान होता नहीं है। अभी कंपटीशन जितना लेवल पर चला गया है, उस लेवल पर जाके जॉब हासिल करना बहुत ही टफ हो गया है, और बाकी सब अपने अपने नसीब लेके आया है, सब ठीक ना ठीक एक ना एक जगह पे पहुंच ही जाता है, सब अपनी जगह मेहनत करते हैं। हाँ, एक ना सबके लिए एक कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ रखा हुआ है, ठीक टाइम आने पे उसको अपनी चीज़ मिल जाता है, तो किसी के ऊपर हंसना या किसी को ऐसे ताने मारना ये तो ठीक बात नहीं है, तो बस इतना ही। तो आप उन महानुभाव में क्या विचार रखते हैं? अच्छा, उन महानुभाव जो आपको उनसे डिग्रेड करते हैं, उनसे बस जो तैयारी करने वाले लड़के उनसे बस मैं यही कहूँगा कि आप फोकस अपने चीज़ों पर रखिए, लोग कहते रहते हैं और कहने दीजिए उनको, ये चीज़ें अक्सर ये भी लाइफ का हिस्सा होता है, उसको एज ए मोटिवेशन लीजिए। लोग बहुत कुछ कहते हैं, मुझे भी बहुत कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा, पर आज हम ट्रेनिंग सेंटर में खड़े हैं और बहुत खुशी होती है घर वालों को भी और मुझे भी कि मतलब हाँ एक अच्छा जॉब है, एक सेटल जॉब है, और आप करते रहिए मेहनत, जो भी आती है उसको एक मोटिवेशन लीजिए और अपना काम करते रहिए, बहुत लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे पर आप उसको उस तरह मत लीजिए कि आपका पैर कोई खींच रहा है, एक दिन वही आपका सपोर्ट करेंगे होने के बाद। इतना क्यों रहा तू? समा गया ये तू भाई, ये ना बोलना दो सब इसने इसके परिवार जो है ना, ये जो रिश्तेदार है इसको खाएगी कच्चा, और इसकी अभी शादी भी होनी है तो शादियाँ कट जानी है इसकी, अगर इसने बोल दिया कुछ तो ठीक है। किसी और को महानुभाव के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वही बोलना चाहेंगे कि आप लोगों का जो भी हम लोगों के दिल के लिए था, काम नहीं कर पा रहा, जो भी हो घर पर बैठे हुए, आज वही सब तानों के चलते हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप लोगों का दुआ है कि हम लोग और आगे जा पाए और अच्छा कर पाए।
तो वैसे ही ताने मारते रहिए और हम ताने मारते रहे, हम लोग आगे बढ़ते रहे। महानुभाव पर मैं आपके कर गया। देखिए बात ऐसा है कि लोगों का काम है बुराई करना, और लोग अपने घर में नहीं दूसरे घर में जागते हैं। अब उसी बात यह है कि बुराई भी उसी करते हैं, इसको कहीं ना कहीं उसे भरोसा होता है कि कुछ आगे कर ले, इसलिए लोग टांग खींचते हैं कि वो पीछे आ जाए। और जब किसी का कोई बुराई करता है तो समझना चाहिए कि वो तरक्की के रास्ते पे है, और उसे अपने लक्ष्य पाने के लिए और प्रयास करना चाहिए और ना कि पीछे। जब अगर आपकी लोग बुराई करने लग जाए आपके पीठ पीछे, तो आप समझिए कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, और अच्छे मेहनत मतलब ये 100% से अपना लक्ष्य के मतलब तैयारी में लग जाए। जी बिल्कुल, इनका कंक्लूजन ये है कि लोग आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अगर पीठ पीछे आपकी बुराई चालू हो गई तो फिर समझ जाओ कि तुम तरक्की कर दोगे। पता है आपको अगर मतलब कि किसी को तकलीफ है तो दूसरों के सुख से ना कि अपने दुख से। दूसरों के लिए सही है, जब दूसरों को सुख होता है तो उसे तकलीफ होता है, अपना दुख तो ऐसे ही निपट लेता है। बस इसलिए अगर कोई आपका बुराई कर रहा है तो समझिए कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, और अपने मंजिल की तरफ 100% देके आगे बढ़िए, और कोशिश कीजिए कि और उसे मतलब कि क्या कहें और अच्छा करें। और अंत में उन भाइयों के लिए जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लहरों का शोर नहीं तुम सागर का शान सुनो, लहरों का शोर नहीं तुम सागर का शान सुनो, कुछ बड़ा करना है जीवन में तुमको तो तुम एकांत चुनो, यूं ही आसान नहीं होता मंजिल का मिल जाना, मंजिल को पाने के खातिर अपना एक सिद्धांत चुनो। एंड अंकल आंटी आप सतर्क रहें, सावधान रहें और खुद के लौंडे पर ही ध्यान दें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना ना भूलें।